आपको बता रहा हूं। देखिए हमारा जो विद्यालय है ये बहुत ही विशेष विद्यालय है, स्पेशल विद्यालय है। यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो बेमिसाल होती है। अब आप कहेंगे सर बेमिसाल पढ़ाई का एक एग्जाम्पल दो। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लोगों ने चेक नहीं किया। एक एग्जाम्पल ये है कि पूरी साल एक भी लेक्चर खाली नहीं जाता है। पूरी साल लोगों ने चेक भी कराया तो देखेंगे पूरी साल में लेक्चर खाली जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन लोग फेल हो गए, हम फेल नहीं हुए। पूरी की पूरी साल निकल गई और एक भी लेक्चर खाली नहीं गया। तो ये पढ़ाई का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और हमने अभी ध्यान अपना इंग्लिश मीडियम कर दिया है और इंग्लिश मीडियम से अच्छी हमारे यहाँ पहले भी पढ़ाई होती थी और आज भी होती है। बस थोड़े से हम सख्त हैं नियम और कानून को लेकर, और सिर्फ इसीलिए सख्त है कि हमारे स्कूल के बच्चे काबिल हो जाए। मैं डांटता हूँ फटकारता हूँ सिर्फ बच्चे की भलाई के लिए। मैं सोचता हूँ कि बच्चा जिस उम्मीद से मेरे यहाँ आया है उस उम्मीद पर मैं खड़ा होता हूँ। बच्चा जिस उम्मीद से आया है जब मेरे यहाँ से पढ़ाई पास करके निकले तो ये कहे कि सर मैं जहाँ गया वहाँ मैंने झंडा गाड़ दिया, आपने ऐसी पढ़ाई कराई थी। तो और इसी का एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ के पढ़ाए हुए पुलिस डिपार्टमेंट में जो भैया वीडियो बना रहे हैं, इनका बेटा पुलिस डिपार्टमेंट में जिला सीतापुर में अपॉइंटेड है। मेरे यहाँ से पास की पढ़ाई, मेरे यहाँ पढ़े थे। हमारे डीलर साहब बादशाह नगर के, वहां पर मेरा स्टूडेंट है जहीर अब्बास, जिसको मैंने टीजीटी में पढ़ाया था। ये गवाह है जो इस समय देवरिया जिले में अपॉइंटेड है। ऐसे कई एग्जाम्पल, कई मेरे इंस्पेक्टर है, कई मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में, कितने अधिकारी हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। संतुष्ट मैं उस दिन हूंगा जिस दिन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे टीम बनेंगे, कप्तान बनेंगे। मैंने ये कसम खाई थी जब मैं टीम नहीं बन पाया, जब मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया, उस दिन मैंने सौगंध ली थी कि मैं अकेला डीएम नहीं बना, डीएम की लाइन लगा दूंगा, डीएम का निर्माता बनूंगा, डीएम पैदा करने वाला बनूंगा। और इसीलिए बहुत ही अच्छी पढ़ाई कराता हूँ, इतनी अच्छी पढ़ाई कराता हूँ बच्चों, जब मैं क्लास में होता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन क्लास से निकल गया, इतना मशगूल हो जाता हूँ पढ़ाई में। और इसी तरीके से हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चों को देखकर मुझे इतना लगता है। मेरी पत्नी कभी कभी कहती है कि अब तो छुट्टी हो गई, खाना खाने नहीं जाओगे? तो मैं कहता हूँ कि बच्चों के काम में मैं आ रहा हूँ, बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, इससे बढ़कर और क्या है। और आप देखो सुबह से शाम तक मैं इस विद्यालय में रहता हूँ। बच्चों आज हम दो, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मैं आईएएस नहीं बन पाया, अगर कोई मुझसे कई बच्चे कहते हैं कि राजू सर आप डीएम नहीं बन पाए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको राजू सर निकाल ना देते। सिर्फ क्या मार्गदर्शन मेरा गलत हो गया, तभी मैंने अपना डायलॉग बनाया हार्डवर्क विद ए प्रॉपर गाइडेंस इज अ की टू सक्सेस। मैंने हार्डवर्क किया लेकिन मार्गदर्शन मेरा सही नहीं था। आज मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ मार्गदर्शन के साथ में। तो प्यारे बच्चों ये जो 15 अगस्त है इसके पीछे बहुत कुर्बानियां हैं, इतनी कुर्बानी है एक शेर से पता चल जाएगा, एक शेर से पता चलेगा। एक आजादी का मतवाला अपनी माँ से देखो रो रो के, माँ से हंस हंस के क्या कहता है, वो कहता है ऐ माँ ऐ मम्मी, पहले तो अम्मा कहते होंगे, ऐ माँ मेरी यादों को दामन में छुपा देना, ऐ माँ मेरी यादों को दामन में छुपा लेना, अब बदनाम ना हो ये आंसू, बदनाम ना हो ये आंसू, दामन में छुपा देना। ऐ माँ मेरी यादों को, ऐ माँ मेरी यादों को, ऐ माँ मेरी यादों को दामन में छुपा लेना, अब बदनाम ना हो ये आंसू दामन में छुपा लेना। आजादी का परवाना जाता है अब जलने को,
चल जाऊं, बस इतनी दुआ दे रहा हूं। ये हम इसी तरीके से ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के मतवालों ने कहा कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजादी रहे और आजादी रहेंगे। इसके बाद में आपके लिए और भी कुछ बताऊंगा, तो अपने संचालक महोदय जी से फिर कहूंगा कि कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।